Very, very close working association, one of those extremely close to Atal Bihari Vajpayee. And Joshi ji, I heard you earlier today. I mean, what do I ask you but to share some memories and anecdotes of Atal Bihari Vajpayee, as you knew him as a friend and as a colleague and as a leader. मुझे तो पहले पहले अर्नब की memories आ रही हैं अभी तो वाजपेयी जी की तो बाद में आएंगी. जी जोशी जी, कोई आवाज नहीं है. जी जोशी जी, आपको मेरे पास कोई आवाज. जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूँ. बहुत दिनों के बाद आज आपके साथ बात करने का मौका मिला है. आवाज भी आ रही है. आपकी शक्ल भी दिखाई दे रही है. जी नमस्कार, नमस्कार. मैं चाहता हूँ हमारे जितने दर्शक हैं जोशी जी, आपसे सुने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में. आप उनको कैसे याद करते हैं? आपके आप इतने साल उनके साथ आपने काम की भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में, कुछ उनके बारे में कहें और कुछ ऐसे बताएं, कोई ऐसे कोई मोमेंट्स हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ. देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अटल जी के साथ यद्यपि मेरा पहला संपर्क 1952 में आया था, जब वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंग्रेजी भाषणों को उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को हिंदी में सुलभ करते थे, और उस समय से उनका जो संपर्क था वो छात्रों से, विश्वविद्यालयों में नौजवानों से जो बना वो आखिर तक बना रहा. तो इसलिए तब से संपर्क था और घनिष्ठता हुई. पार्टी में साथ साथ काम किया, बरसों काम किया. मैं अटल जी को इसलिए याद करता हूँ कि वो समन्वयवादी नेतृत्व के एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण थे. वो हमेशा रिकन्सिलिएशन में, हार्मोनाइजेशन में विश्वास रखते थे, और इसलिए ये उनके चरित्र की विशेषता थी कि वो विभिन्न विचारों के लोगों को भी साथ लेकर चलते थे. आज आप देख रहे हैं कि हर पार्टी के, हर विचारधारा के लोगों ने कहा कि अटल जी के जाने से बहुत नुकसान हो गया. क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि अटल जी ने हरेक का आदर किया, हरेक की बात में कोई सत्य है, कोई तथ्य है, इसको पहचाना, और उसके अनुरूप जो निर्णय होना चाहिए था वो उन्होंने किया. ये बड़ी बात थी. आखिर किसी ने उनसे कहा पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमारा पड़ोसियों के साथ जो संबंध है वो इस पर निर्भर नहीं करता कि मैं कौन हूँ और वो कौन है. सवाल ये कि पड़ोसी तो हैं, बिल्कुल, दे एग्जिस्ट एज नेबर्स. तो नेबरहुड के जो धर्म हैं वो तो निभाने चाहिए लोगों को. अब ये बात उस समय कहना ये मामूली बात नहीं थी. तो ये जो एक दृष्टिकोण है समन्वय का, बिल्कुल, रिकन्सिलिएशन का, बिल्कुल, हार्मोनाइजेशन का, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय से लेकर आज तक. और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप उनके सारे संसदीय आचरण को देखें, वक्तव्यों को देखें, या राजनीतिक प्रस्तावों को देखें, राजनीतिक भाषणों को पार्टी में देखें, पार्टी में जो कुछ उन्होंने कहा या जिन सब मामलों पर पार्टी में बहस हुई, वो इसी बात का प्रतीक है कि अटल जी एक समन्वयवादी राजनीति के ही विरोधा थे. मुझे याद है अच्छी तरह, जब 1984 के चुनावों में हम बुरी तरह हार गए तब. जी जी जी, मैं वो कहने लगे, आपको मुझे आवाज़, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बोलिए, बोलिए बोलिए. तो उन्होंने कहा कि मैं त्यागपत्र देता हूँ. हम लोगों ने कहा नहीं, आपको त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं. बोले नहीं है, क्योंकि आज ये सवाल उठ रहा है कि शायद हमारी नीतियाँ गलत हों. और उन्होंने जांच की एक कमेटी भी बनाई, और इसीलिए बनाई कि जिसमें ये भी फैसला हो कि अटल जी के नेतृत्व में कोई कमी तो नहीं थी. जाँच भी करवाई, और जाँच के पश्चात भी जब हमारी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पर बहस हुई और ये सिद्ध हुआ कि इसमें अटल जी का कोई दोष नहीं, उसके बाद भी उन्होंने त्यागपत्र दिया और कहा कि नहीं, मैं अब नेतृत्व नहीं करूंगा. और अटल जी ने अडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया. ये इस बात का सबूत है कि वो एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे. आज ऐसा कौन करता है? लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब पार्टी को सही रास्ते पर ले जाना है, संगठन को ठीक करना है. और यही कारण था कि तब दो से हम इतनी दूर तक पहुँचे. बिल्कुल. तो दूरदृष्टि थी उनकी.
बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा ये मानते थे कि ये राजनीति प्रतिस्पर्धा हो सकती है जी, पर दुश्मनी नहीं हो सकती जी जी। और ये हमेशा कहते थे कि इतनी दुश्मनी मत करो, आप शब्दों का प्रयोग मत करो, किसी के दिल को मत दुखाओ, क्योंकि पता नहीं कल आपको उसके साथ फिर बैठना पड़ जाए जी। बिल्कुल, ये जो दृष्टिकोण है ये मैं समझता हूँ आज इसकी बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसलिए मैं अटल जी के जाने से बहुत दुखी हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे पास नहीं है कि जो इस प्रकार से देश को बांध के चल सके। डॉक्टर जोशी, यू नो यू हैड चार्ज ऑफ मेनी 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 मिनिस्ट्रीज। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू मीट यू देन एज अ रिपोर्टर। यू आर आई थिंक यू आर मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, you were minister for science and technology, ocean development, and you were union home minister. I think this is 96, sir, if I'm not mistaken. So little bit, if you can tell us from cabinet meetings, other moments, you know, when he became prime minister, what was it like, that sort of any side lights from being in the Vajpayee cabinet? I think the Vajpayee cabinet was just like a family affair. The head of the family was there, and we used to discuss the issues which any minister would bring before the cabinet, or which the cabinet secretary would bring before us. There were frank discussions, and Vajpayee ji would listen very carefully to each argument, and then if he finds that there is no unanimity on that day, he would quietly say, अच्छा इस पर फिर विचार कर लेंगे। दैट इज, ही विल नॉट इम्पोज हिज व्यूज, हिज डिक्टेट, नो, ही विल से ओके नेक्स्ट मीटिंग वी विल कंसीडर दिस इश्यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, एंड देन ही विल टॉक टू इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ऑल्सो, टेक देयर इनपुट्स, एंड फाइनली ही विल कम टू ए कंक्लूजन, बट आफ्टर गुड डिबेट, गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड इनपुट्स, एंड इन ए कन्विंसिंग मैनर। एब्सोल्युटली, सो इट वाज ए परफेक्ट डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ ए कैबिनेट सिस्टम। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई हैड एट ओकेजन्स आई हैड टू बी ए लिटिल बिट से डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट ही ऑलवेज सेड कि प्लीज वील डू डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, लीव इट। सो आई नो दैट द प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट ए dictatorial prime minister. He did never said I am the prime minister. He always said, okay, we'll consider this issue in a calmer manner, in a more silent thinking, then we will come to the conclusion. Fantastic. That was the technique, he said. Fantastic. But whenever he found that something has to be decided, he would then persuade people, yes, this has to be done, and this is the benefit for the country, this is good for the country, and I implore that you should accept it. But okay, never he imposed his decisions. That was the biggest quality in him. Well, it's so wonderful listening to you, and Dr. Joshi, it was wonderful to speak to you today after a long time, sir. Privilege. Thank you sir. Yes, now you have become a Republican. I still continue to be. Okay. Sir, it is Republic, but not Republican. That's a very dangerous comment to make. But thank you very much. Thank you. Good to see you today. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. And okay. Nice. Thank you. Thank you, sir. Thank you.